Henry's lunch room. ये है मैडम फर्स्ट, जहां से यहां से शुरुआत होती है कि एल और मैक्स कहां पे आ जाते हैं जी? एल और मैक्स कहां पे आ जाते हैं? हेनरीज लंच रूम में आ जाते हैं दोनों, और तैयारी के साथ आते हैं। किस तैयारी के साथ आते हैं? कि आज हमको एंडरसन को खत्म कर देना, क्योंकि एंडरसन अपना लंच कहां किया करता था? इसी होटल में करता, इसी रेस्टोरेंट में करता था। ठीक है, उनको भाई उन्होंने पहले जानकारी जुटाई होगी कि एंडरसन कहां मिलेगा। उनको पता चला कि एंडरसन तो जो है हेनरीज लंच रूम में मिलेगा, तो गए होता है पूरा गन गुन लेके जा रखे हैं बढ़िया से कि आज उसको वहीं पे खत्म कर देना। और वजह देखिए, छोटी सी वजह है, बहुत छोटी सी वजह है जिसके कारण वो उसको मारना चाहते हैं। बहुत छोटी सी वजह, बड़ी भी वजह नहीं है कोई, सिंपल वजह है बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो मारना चाहते हैं। ठीक है, चलिए वजह की बात करेंगे। अब क्या होता है कि जब वो पहुंचते हैं वहां पे, तो पहुंचने के बाद वो सबसे पहले जब पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद सबसे पहले जो है वो लोग अपना ऑर्डर देते हैं। भाई रेस्टोरेंट में जा रहा अभी तो ऑर्डर तो देना पड़ेगा भाई, वैसे तो कैसे जाएगा, ऑर्डर तो देते हैं ना वो लोग, है ना। दूसरा दूसरा जो स्टेप है उसमें है दे प्लेस देयर ऑर्डर टू जॉर्ज इन अ वेरी वल्गर मैनर। ये वल्गर मैनर यहां पे यूज हुआ है कि मतलब बहुत ही अजीब तरीके बहुत अलग ही तरीके के व्यवहार से हो जो है, क्योंकि जॉर्ज कौन है जी? वेटर है भाई, कोई रेस्टोरेंट में आ गया तो उनको उनको जो है करना, मतलब उनसे बातचीत करना किसका काम है? वेटर का काम है। नहीं, ये इसका इस वल्गर का मतलब हुआ कि वो पहले अजीब सी बात करते हैं उस वेटर से, बहुत डिस्कस करते हैं, बेकार से डिस्कस करते हैं पहले, हाँ गंदा व्यवहार करते हैं पहले उससे, डिस्कस करते हैं पहले, पता नहीं अलग सी बातें करते हैं, और जब अलग से बातें करते हैं फिर उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं बाद में उसको ऑर्डर देते हैं कि भाई आप जो है वो एक्स खाना चाहते हैं, कुछ और भी खाना चाहते हैं, जो जो खाना चाहते हैं उसका वो है। अब पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, पहले वो जॉर्ज से है VULGER, हाँ जी VULGER, GER वी लिखो सर, वी जी वी जी बिल्कुल असभ्य तरीके से वो व्यवहार करते हैं, असभ्य तरीके से इसका मतलब लिया हुआ है कि असभ्य तरीके से वो जॉर्ज से बातचीत करते हैं मैडम पहले, और उसके बाद दे प्लेस देयर ऑर्डर टू जॉर्ज इन अ वेरी वल्गर मैनर, बहुत ही खराब व्यवहार में वो जॉर्ज से बातचीत करके अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। पहला स्टेप हो गया, दूसरा तीसरा, तीसरे में दे आर वेटिंग फॉर एंडरसन। अब वो क्या कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं मैडम? उनको तो एंडरसन चाहिए उनको। दे आर वेटिंग फॉर एंडरसन। अब वो किसका इंतजार कर रहे हैं ऑर्डर देने के बाद? एंडरसन का। वो चाहते हैं, उनकी गन तैयार है, सब कुछ तैयार है, वो चाहते हैं कि एंडरसन आए और उसको हम मार दें, तुरंत हम मार दें, क्योंकि इससे अच्छी जगह और हो ही नहीं सकती एंडरसन को मारने की। दे आर वेटिंग फॉर एंडरसन बिकॉज दे वॉन्ट टू किल हिम, बिकॉज दे वॉन्ट टू किल हिम, क्योंकि वे उसे मार देना चाहते हैं, वे उसे मार देना चाहते हैं, इसलिए वो एंडरसन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तीन स्टेप हमारे हो गए। चौथे स्टेप की अगर हम बात करें तो चौथे स्टेप में हम पढ़ते हैं कि दे मेक हॉस्टेज क्रू ऑफ द रेस्टोरेंट एट गन पॉइंट। दे मेक हॉस्टेज क्रू,
चौथे नंबर पर दे मेक दे मेक हॉस्टेज क्रू। देखो आपकी डिक्शनरी क्या कहती है क्रू के लिए, हॉस्टेज क्रू ऑफ द रेस्टोरेंट एट गन पॉइंट, ऑफ द रेस्टोरेंट एट गन पॉइंट। गन पॉइंट क्या हुआ जी इसका मीनिंग, किसका ये पूरी लाइन का, दे मेक हॉस्टेज क्रू, जो क्रू मैन थे जो वहां पर जहाज चलाने वाले होंगे उनको हॉस्टेज किया, उनके लिए क्रू वर्ड यूज हुआ है, उनको गन पॉइंट पर बंधक बना लिया।